हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। दोस्तों अगेन हमें यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। जैसे कि कल एक गिरावट हुई थी, अगेन यहाँ पे तेजी आ चुकी है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट क्या था कि दोस्तों टोटल मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव थे, स्टॉक गिरा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि स्टॉक एक रेंज पर ट्रेड कर रहा है। अब आपको समझ में आ चुका होगा रेंज कौन सी है। सपोर्ट है आपका 17 का, रेजिस्टेंट है 21 का। स्टॉक भागता है, गिरता है, अगेन भागता है, अगेन गिरता है, अगेन भागता है, फिर गिरता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये जो स्टॉक है वो क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 21 का ब्रेकआउट, जब स्टॉक का 21 का ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बट मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, जेपी पावर में सिर्फ वही लोग आइए जिनका व्यू लॉन्ग टर्म हो, जो एक दो दिन में। अब यहाँ पे जैसे कल गिरा तो लोगों ने सेल किया, अब अगेन आज अपर सर्किट लगा तो लोगों को लग रहा है 21-22 रुपये जाएगा, 25 रुपये जाएगा। पर जैसे ही कल मान लो गिर गया तो लोगों को लगेगा 15 रुपये जाएगा, फिर वही बोलेंगे कि जेपी पावर में क्या करे, जेपी पावर में फंस गए। जेपी पावर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है, क्योंकि जेपी पावर में शॉर्ट टर्म में मोमेंटम जो है वो अभी के टाइम हमें तब तक देखने को नहीं मिलेगा, या तो जब तक ये स्टॉक एसीएम से बाहर नहीं आता या फिर स्टॉक का ब्रेकआउट नहीं हो पाता। ब्रेकआउट के बाद ही मोमेंटम रहेगा। 5 डेज की बात की जाए तो स्टॉक नेगेटिव में है, 1 मंथ में कंसोलिडेशन, 6 मंथ में भी गिरावट हुई है, एंड 1 ईयर की बात करूँ अच्छे रिटर्न मिले हैं, बट लास्ट यहाँ पे अगर आप 6-7 महीने से देखेंगे तो स्टॉक रुका हुआ है। बट मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। आज का जो डेटा निकल के आया है जेपी पावर में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कंपनी स्टॉक ओपन होता है 18 रुपये 40 पैसे पे, एंड लो लगाता है 17 रुपये 90 पैसे, उसके बाद हाई लगाता है अपर सर्किट में। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ, 2 करोड़ 75 लाख शेयर्स की वॉल्यूम होती है, 51 करोड़ की वैल्यू के शेयर ट्रेड होते हैं, 51% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिल जाती है। अब देखिए नॉर्मली डेटा जो है वो तो ऑलमोस्ट हमें ठीक ही नज़र आ रहा है, बट कंपनी यहाँ पे एसीएम लिस्ट 1 में, उम्मीद ये है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये कंपनी एसीएम लिस्ट से बाहर आ सकती है। जेपी पावर कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कंपनी है एंड थर्मल पावर में भी है। फ्यूचर ग्रोथ मुझे अच्छी दिख रही है। कंपनी के मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले समय में हम रिन्यूएबल में भी एंट्री ले सकते हैं। देखिए रिन्यूएबल का बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर कंपनी एंट्री भी लेती है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियाँ भी रिन्यूएबल में जा रही है, तो जेपी पावर भी जा सकती है, ये बड़ी कंपनी है। और उसी के साथ साथ जैसे इसका थोड़ा वो जेपी एसोसिएट का मामला सेटल होता है तो मे बी ये कंपनी रिन्यूएबल में भी जा सकती है, क्योंकि पहले से ही मैनेजमेंट ने कुछ अपडेट दे रखे थे। उसी के साथ साथ अभी के टाइम देखिए फंड का भी इनका सेटलमेंट हो चुका है, फंड की भी इनके पास मतलब इतनी भी ज़्यादा अभी डेट की प्रॉब्लम नहीं है जेपी पावर के ऊपर। जेपी एसोसिएट के ऊपर है बट जेपी पावर के ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कैप आपका आ चुका है 13,000 करोड़ का। पी रेशियो अगेन 8 का हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर का पी कितना है, 36। तो सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेपी पावर अभी के टाइम बहुत लोअर वैल्यूएशन पे दिख रहा है। अगर बात की जाए कि मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है डेट है, बट डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेपी पावर वैल्यूएशन के हिसाब से भी हमें लो वैल्यू पे दिख रहा है। वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों कंपनी के पेयर्स कंपैरिजन में, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो में अगर आप देखेंगे ना, तो अभी के टाइम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन सबका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर है। अदानी पावर को छोड़ के सभी का 1 से ऊपर है, बट जेपी पावर का 0.37, मतलब अदानी पावर से भी कम डेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। पी रेशियो के मामले में भी जो सबसे कम पी रेशियो है वो अभी के टाइम जेपी पावर का हमें दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी का ट्रेंड, फाइनेंशियली ट्रेंड, तो फाइनेंशियली ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो एक समय 3,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया था, बट अब यहाँ से कंटिन्यू बढ़ा, 4,000, फिर 5,000, फिर 6,000 एंड 6,800 तक लेवल्स पहुँच चुका है। मार्जिन्स जो है वो पहले कंपनी के अप एंड डाउन थे, बट अभी 30% लास्ट 2 ईयर से देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की जो अदर इनकम है वो हमें अभी के टाइम नेगेटिव नज़र आ रही है। अदर इनकम का कोई फिक्स नहीं होता है, कभी प्लस में तो कभी माइनस में, बट मार्केट अदर इनकम को रिएक्ट नहीं करता है। सबसे मेन चीज़ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले कंपनी पे करती थी 2700-2600 करोड़ का, बट अभी बहुत कम हो चुका है, ओनली फॉर 400 करोड़ का ही कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। आने वाले समय में अगर ये 400 करोड़ मतलब कंपनी डेट फ्री होती है तो ये 400 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। कंपनी ने अभी तक कभी भी 4 डिजिट में प्रॉफिट नहीं किया है, अभी कंपनी 4 डिजिट में प्रॉफिट कर रही है। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, 4,600 करोड़ का रिजर्व है जो कि कंपनी के डेप्ट से भी ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एसेट जो कंपनी के लगातार गिर रहे थे वो अभी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। फाइनेंशियली कंपनी मजबूत हो रही है, एफआई वाले कंटिन्यू होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे आप देखेंगे एफआईज का डेटा पूरे मार्केट में, जहाँ पे एफआई वाले बेच रहे हैं वहीं जेपी पावर में स्टॉक ऐड कर रहे हैं। फाइनेंशियली फंडामेंटल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वही अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, फाइनेंशियल तो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट चार्ट के हिसाब से क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक में तो वो भी चेक कर लेते हैं।
तो चार्ट के हिसाब से जैसा कि स्टॉक की एक रेंज है दोस्तों, वो रेंज आपकी है 17 रुपये की रेंज है। ये रेंज स्टॉक क्या करता है, इस रेंज के आसपास आता है, जंप करता है, फिर आता है, फिर जंप, फिर आता है, फिर जंप, फिर आता है, फिर जंप, फिर आता है, फिर जंप। जेपी पावर में जो लोग शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से, अगर आप प्रॉफिट में हैं या फिर प्रॉफिट में आ रहे हैं तो प्रॉफिट को बुक जरूर करें। कॉस्ट टू कॉस्ट है तो आप अपना व्यू रख सकते हो, बट मेरा जो इसमें व्यू है वो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म का ही है। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी, जब तक 21 का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक जो कंपनी के ट्रेंड्स हैं वो ओनली फॉर कंसोलिडेशन ही रहेंगे। ट्रेंड यहाँ पे चेंज कब होगा कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन के बाद ये जो स्टॉक है नया ट्रेंड कब लेगा, जब ये 21 के ऊपर जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, लास्ट काफ़ी टाइम से स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ है। जब ये ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जिसमें 21 का लेवल टूटा, 24, 26 रुपीज़ तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। थैंक यू।